मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं नेपाल में मधेश के नेताओं की वर्तमान स्थिति के बारे में। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, कई मुद्दा चर्चा में है, तो हम इस पर बात करेंगे कि मधेश को छोड़ते हुए मधेशी नेता, ये मधेश शब्द जो बहुत पहले से आ रहा है, अब इस शब्द से मधेशी नेता दूर भाग रहे हैं। मैं इसी पर आपको नेताओं की इतिहास पर बात करूंगा और कहना चाहूंगा कि अगर आप इतिहास पलटा के देखिए तो जितने भी मधेशी नेता है वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मधेश शब्द का चयन करते हैं और मधेशी मुद्दा को मधेश के बीच में लाकर वो अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करते हैं और उसके लिए वो सहारा लेते हैं। ये मधेश की मुद्दा बनाकर पहले एक संस्था बनाते हैं जो कि एक एनजीओ टाइप की राष्ट्रीय संस्था होती है और उस संस्था के जरिए पूरब से पश्चिम तक मधेश में उस मुद्दा का प्रचार करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। और संस्था जब बन जाती है तो संस्था के बाद उसको उसमें देख रहे हैं कि वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा जा सकता है क्योंकि उसमें कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं, तो बाद में उसी संस्था को पार्टी का रूप दे देते हैं और पार्टी बनाकर वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में वो मोस्ट पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है जो देखा गया है कि जब ज्यादा पॉपुलर होते हैं तो हरेक पार्टी में कई चेहरा सामने आते हैं, तो सभी चेहरा को एक जगह एडजस्ट करने में बहुत कठिनाई होती है अध्यक्ष के लिए भी और नेताओं को भी। तो बाद में वो क्या करते हैं नेता कि वो पार्टी तोड़ देते हैं और पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। लेकिन ये सभी कर चुके, अब तो एक एक नेता के पास में कम से कम 2-3 पार्टी तोड़ने की और जोड़ने की क्षमता है ही और उसका इतिहास भी बताती है। तो अब उसके बाद वो आते हैं राष्ट्रीय धार में कि अब केवल मधेश से जब पार्टी छोटी हो जाती है तो मधेश से काम नहीं चलेगा, अब पहाड़ को भी जोड़ना है। तो तब वो पहाड़ पहाड़ करने लगते हैं और पहाड़ में अपना वर्चस्व के लिए पहाड़ी नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मैं आपको गिनवा दूं कुछ नेताओं का नाम भी और कुछ पार्टी भी। जैसे शुरुआत करें हम मधेशी जन अधिकार फोरम, जो कि फोरम होकर उपेंद्र यादव जी और उनके सहयोगियों ने बनाया था और बहुत पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में उसको पार्टी का दर्जा दे दिया गया और पार्टी के रूप में वो काफी सीट ले आए हैं यहाँ पर। वो अभी तक कई पार्टी टूट फूट के अभी एक जसपा पार्टी के रूप में है, लेकिन वो डरता हुई थी मधेशी जन अधिकार फोरम के नाम पर। और उसके बाद में अगर आप बात करें जो वर्तमान एक नेता है डॉक्टर सी के राउत जी, तो उनको भी अगर देखिएगा तो उनका नेपाल प्रवेश ही हुआ इंडिपेंडेंट मधेशी एलियंस के रूप में, उसके संयोजक थे वो बाद में स्वतंत्र मधेशी गठबंधन को लेकर, और उन्होंने बहुत ही चीप नारा दे दिया और वह स्वतंत्र मधेश की बात करने लगे कि मधेश को ही मुक्त मधेश की, जो अब अलग मधेश बनाएंगे। लेकिन उनकी भी स्थिति यह हुई, वो जेल में ही थे और अचानक निकले तो उनकी पार्टी, उनका सभी मुद्दा चला गया पानी में और वो भी बाद में आकर एक
पार्टी का रूप दे दिए जनमत पार्टी, और अभी जनमत पार्टी को वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे जीतकर भी आए हैं और कुछ उनके नेता भी है, सांसद भी है उसी में। अगर उसी की हम बात करें तो फिर एक नाम आ रहा है, अब जैसे हम ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वही सीके राउत जी से अलग हुआ एक ग्रुप है जो कि कैलाश महतो है। अब कैलाश महतो भी तराई में काठमांडू, पिछले दिनों काठमांडू में उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, महिलाओं का प्रदर्शन, उनका भी स्वतंत्र मधेस जन अभियान चल रहा है। अभी यह एक पार्टी नहीं है, अभी एक नाम दिया गया है जो कि अलग संस्था के रूप में ये काम कर रही है। और इस जो अभी है काम तो कर ही रहे हैं कैलाश महतो, लेकिन अभी पार्टी के रूप में इनका जन्म नहीं हुआ है। और इसी बीच अगर इससे भी पहले हम बात करते हैं तो स्वयं गजेंद्र नारायण सिंह जो मधेश के प्रणेता माने जाते हैं, और उनसे पहले भी बहुत नेता हुए हैं, रघुनाथ ठाकुर, श्री कुलानंद झा जी जो अभी नहीं है, लेकिन इनको गजेंद्र बाबू को मधेश का प्रणेता कहा जा रहा है, चूंकि उन्होंने मधेश शब्द को बहुत ही उसमें प्राण ला दिया था। तो गजेंद्र बाबू भी पार्टी के रूप में नहीं आए, गजेंद्र बाबू भी जब हाईलाइट होने लगे तो वो एक संस्था खोले, उस संस्था का नाम है सद्भावना परिषद। सद्भावना परिषद के रूप में ही वो इसमें इसको हाईलाइट किया, और सद्भावना परिषद जब बहुत फेमस हो गया तो उसके संयोजक थे रामचंद्र मिश्र, स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र, उन्हीं के टाइम में सद्भावना परिषद को सद्भावना पार्टी में परिणित कर दिया गया, और उसके बाद से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए गजेंद्र नारायण सिंह, और तब से सद्भावना पार्टी चलने लगी मधेश के नाम पर। अब एक नया विचार सामने आ रहा है और एक संस्था के रूप में उसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान। अब ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान क्या है तो ये और कोई नहीं है, ये हमारे पुराने नेता, दिग्गज नेता श्री राजेंद्र महतो द्वारा ये नया लाया गया है और लोगों को आकर्षित किया जा रहा है इस पर। तो ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जो है सो ये अभी तक एक अभियान और संस्था के रूप में आगे बढ़ रही है, ये पार्टी का रूप नहीं ली है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह भी पार्टी जरूर बनेगी। मैं इस पर आज बात करने जा रहा हूँ राजेंद्र महतो जी की राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी पर, और यह हमारा हिमालिनी का यह अप्रैल अंक जो है इस पर हमने कवर स्टोरी बनाया है, और इस कवर स्टोरी के लेखिका है डॉक्टर श्वेता दीप्ति। डॉक्टर श्वेता दीप्ति जो हिमालिनी की संपादक है, उन्होंने ही इस बार इस पर अपना विचार लिखा है और नाम दिया है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति मधेश से पहाड़ की ओर बढ़ते महतो। अब इसी पर देखिए, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के वरिष्ठ नेता थे राजेंद्र महतो, लेकिन इनको क्या हुआ कि अब ये लोसपा छोड़कर ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान की घोषणा कर दी है। अब जैसा कि बताया जाता है कि महंत ठाकुर के नेतृत्व में जो पदाधिकारियों समावेश की बैठक हुई तो उन्होंने, महतो जी ने बैठक बहिष्कार कर दिया, इसलिए बहिष्कार किया कि इनके सभी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय समिति में समावेश नहीं किया गया। महतो जी जो काफी प्रयास किए, कहे जो हमारे ये कार्यकर्ता को इसमें रखा जाए, लेकिन महंत ठाकुर जी जो कि
ज्यादातर मौन रहना ही पसंद करते हैं और वो अपनी मौन यानी कि चुप्पी वो साधे रह गए। और उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी चाह रहे थे कि अब ये राजेंद्र महतो हमारी पार्टी में लोसपा में एडजस्ट नहीं कर सकता है, ये जितना जल्दी हो पार्टी छोड़कर चला जाए। और यही हुआ ही, उसके बाद ये राजेंद्र महतो जी ने पार्टी छोड़कर और अपना ये नया राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान की घोषणा कर दी। ये अभियान जो है सो थोड़ा शिथिल था, लेकिन बताया जाता है कि इस बीच भारत भ्रमण हुआ है महतो जी का, और भारत भ्रमण से आने के बाद कुछ ऊर्जा इनको मिली है और उस ऊर्जा का सदुपयोग करके अब वो मधेश से पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ पंक्ति इसका पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो श्वेता दीप्ति लिखी है हिमालनी में, और आप ये नया अंक हिमालनी भी देख सकते हैं, ऑनलाइन पर भी देख सकते हैं। उनका लिखना है कि राजेंद्र महतो इस बीच मधेश के जिलों में अपनी यात्रा को निरंतरता देते रहे हैं। जनवरी में गजेंद्र बाबू की 22वीं पुण्यतिथि पर गजेंद्र बाबू के विचार और मधेश की वर्तमान राजनीति विषय पर इन्होंने संवाद किया था और वहीं से इनका ये राष्ट्रीय मुक्ति का अभियान शुरू हो गया। बताया जाता है कि उसी के बाद कार्यकर्ता प्रशिक्षित कर रहे हैं ये, और इनके समूह का जो श्वेता दीप्ति लिखती है कि स्वदेशीवाद, बहुलवादी राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक समाजवाद को अपना मुद्दा बनाया है। महतो एक बार फिर से स्वयं को स्थापित करने के लिए विगत के ज्ञान प्रणाली को आधार बनाते हुए इसे स्वदेशीवाद का नारा दे रहे हैं, यानी एक बार फिर से अपनी इस प्रसिद्धि को, अपनी पुरानी प्रसिद्धि को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे धीरे धीरे उन्होंने पीछे गवा चुका था। मैं आपको बता दूं कि 2073 में 6 मधेशी के मधेश केंद्रित पार्टियों को एकत्र करने का श्रेय इनको महतो जी को था, जो कि एक राजापा में विलय हुआ था। उस समय तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, सद्भावना फोरम लोकतांत्रिक, संघीय सद्भावना, तराई मधेश सद्भावना पार्टी और राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टी के बीच एकता हुई थी। पार्टी नेतृत्व करने के लिए महतो और महंत जी एक जगह आए हुए थे, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, एक ऐसा विधेयक ला दिए पार्टी तोड़ने फोड़ने वाली, जिसके तहत इनको थोड़ा परेशानी जरूर हुई। और उसमें हुआ क्या कि रातों रात राजपा और उपेंद्र यादव वाली समाजवादी पार्टी का विलय होकर जसपा बन गई, किंतु यह भी कहाँ टिकने वाली थी। इसमें श्वेता दीप्ति लिखती है कि वह कहाँ टिकने वाला था, क्योंकि नेताओं की महत्वाकांक्षा खुद का हित देखती है, जनता का नहीं। यह बहुत बड़ी बात है कि कभी नेता जनता मुखी नहीं हुए हैं, वो अपना केवल नेतृत्व देखते हैं। और वह जल्द ही जसपा में महतो व महंत गुट का उपेंद्र गुट से विवाद शुरू हो गया। बाद में जब संसद भंग हुई, 22 सांसदों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली का समर्थन कर दिया, विवाद इतना बढ़ गया कि निर्वाचन आयोग में पहुंचा और निर्वाचन आयोग ने उपेंद्र यादव की वैधता दे दी। अब इसके बाद महंत और राजेंद्र महतो के सामने और कोई उपाय नहीं था, यह विभाजन अध्यादेश की मदद से जसपा छोड़कर लोसपा का गठन कर लिया। अब उसी लोसपा में आज राजेंद्र महतो उसी से अलग होकर राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की शुरुआत की है।
ये लोसरपा से अलग होकर, यानी इसमें मधेश शब्द को छोड़कर राष्ट्र शब्द को अपनाकर समग्रता की बात अब महतो जी कर रहे हैं। किंतु ये वही महतो है जिनसे पहाड़ हमेशा नाराज रहा है। मधेश की राजनीति से निकले राजेंद्र महतो ने अब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का गठन कर मधेश से पहाड़ तक क्रांति के कदम बढ़ा दिए हैं। जबकि राजेंद्र महतो को हमेशा पहाड़ विरोधी कहा जाता है, पहाड़ में महतो का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि मधेश आंदोलन के दौरान महतो की सबसे ज्यादा आलोचना पहाड़ी इलाकों से हुई थी। अभी नाकाबंदी में उनकी सक्रियता और काठमांडू में दाना पानी को रोकने का आरोप उन पर लगा था। वहीं महतो इन दिनों पहाड़ी और पहाड़ के जिलों में जा रहे हैं और बहुल राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहे हैं और बहुल राष्ट्र की मांग करके ये अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि ये बहुल राष्ट्र जो है इसकी मांग कोई आज राजेंद्र महतो जी नया किए हैं इसी बात नहीं है, ये माओवादी भी इसका मांग कर रहा था। बाद में इसके नेता अभी भी है बाबूराम भट्टराई जी, जो वो तो बहुल राष्ट्र को बहुत दूर दूर तक अध्ययन भी किया है और बहुत देर तक वो थामे रखे, लेकिन उनकी नहीं चली बहुल राष्ट्र पर और नहीं सुना गया। माओवादियों ने तो यहाँ तक कि 16 राष्ट्र का सुझाव भी दिया था नेपाल में, लेकिन ये सब नहीं चली। संविधान बनाना था और संविधान बन गया जिसमें ये समावेश नहीं हो पाया। आइए हम आगे देखते हैं। महतो जी अपनी पार्टी में कमजोर हो रहे थे, स्वार्थ की राजनीति में सभी अलग होते चले गए, मधेश तो पीछे छूट ही गया था, वहीं महतो की मधेश की चर्चा में पीछे हो रहे थे। यहाँ श्वेता दीप्ति लिखती है, इस तरह राजनीति के अर्श से फर्श तक के सफर को जारी रखते हुए महतो जी एक बार फिर नई नीति, या यूं कहें कि पुरानी नीति को नया चोला पहनाकर वो जनता की नजर में केंद्रित राजनीति पर अड़े हैं और मधेश की जमीन से लेकर सिंह दरबार तक का सफर तय किया। वहीं इस बार उनकी निगाह देश के अन्य क्षेत्रों तक जा रही है। अब यह सोच उन्हें कहाँ लेकर जाएगी यह तो भविष्य बताएगा। फिलहाल विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें मधेश के मुद्दों को ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि आज भी केंद्र की राजनीति में वही पार्टी स्थापित होगी जो मधेश के एजेंडों को मजबूती से उठाएगी। लेकिन अब राजेंद्र महतो आगे बढ़ चुके हैं, इनके कार्यकर्ता अब तैयार हो रहे हैं। इनके एक नेता केशव झा ने दावा किया कि उन्होंने प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण के तहत 7,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। उन्होंने 7,000 ऐसी जनशक्ति तैयार की है जो किसी भी समय वैचारिक प्रशिक्षण दे सकती है। वह सिर्फ एक वैचारिक दास्ता है। इसमें कई संगठन जो अब पहाड़ के हैं उसका भी राजेंद्र जी को समर्थन प्राप्त हुआ है। इसका 7-8 संस्था है जो इनको मदद कर रही है। अब आइए थोड़ा सा इस पर बात करें जो आगे श्वेता दीप्ति का ही विश्लेषण है। जहां तक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की अवधारणा का सवाल है, तो यह प्रत्येक जातीय समुदाय को एक राजनीतिक इकाई मानती है, प्रत्येक जातीय समुदाय को। और इसका मानना है कि प्रत्येक जातीय समुदाय के पास किसी प्रकार की राजनीतिक इकाई, पहचान या परिषद होनी चाहिए। जबकि गजेंद्र नारायण सिंह की मधेश अवधारणा बहुल राष्ट्रीय राज्य के विचार से बिल्कुल अलग थी। सिंह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के अनुसार मधेश के सभी जातीय भाषाई समुदायों को मधेश की व्यापक छत्र छाया में
शामिल करना चाहते थे। सिंह से प्रेरित महतो खुद भी लंबे समय से एकीकृत मध्य संघवाद और समावेशिता के समर्थक रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने बहुराष्ट्रीय राज की वकालत की। बहुल राष्ट्रीय राज की सोच एक खास बिंदु पर जाकर स्वयं संघवाद और समावेशी के सिद्धांत से टकराने की पूरी संभावना है इसमें। अब देखा जाता है कि ऐसे समय में महतो के लिए खुद मधेश की राजनीति के केंद्र में स्थापना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। राजनीतिक दायरे और चर्चा में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए राजेंद्र महतो जी ने जो कदम उठाया है वह भविष्य में उनके और उनकी मधेश राजनीति के लिए बहुत ही कठिनाई पैदा कर सकती है। इसलिए इस नई राह में महतो के लिए अवसरों से ज्यादा जोखिम है। श्वेता दीप्ति का कहना है कि जोखिम सामने है। जनजातियों के समर्थन से खस आर्ज वर्चस्व का मुकाबला करने की प्रक्रिया में वह मधेशियों के अपने पारंपरिक समर्थक और जनमत में हिस्सेदारी खो सकते हैं। ये महतो जी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन माना जाता है कि महतो जी एक बहुत मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जो कि शुरू से इन हार से राजनीति शुरू हुई है। पहला इलेक्शन इन्होंने जहां से लड़ा था वो हार चुके, दूसरा भी हार चुके, फिर जीते, फिर हारे, फिर जीते, अभी हारे हुए हैं। तो राजनीति इन्होंने छोड़ा नहीं है, राजनीति पकड़े हुए हैं और राजनीति को जड़ से ये जानते हैं। और यहां तक कि ये राजनीति को इस तरह, समर्थक को इस तरह अपनी ओर मोड़े हैं जो इनको पार्टी के थ्रू ही उप प्रधानमंत्री तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया है। अब उनकी उन्होंने अभी यही कुछ दिन पहले अपनी जीवनी एक किताब प्रकाशित भी की है। तो ये जमीन राजनीति से लेकर बौद्धिक क्षेत्र को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो जीवनी छपी है इस पर मैं अगला एपिसोड तैयार कर रहा हूं और उसमें मधेश और इसकी जो बॉर्डर पर घेराव हुआ था उस पर बहुत सारा विवाद है, उसको लेकर मैं अगला एपिसोड आपके समक्ष रखूंगा। अब देखना यह है कि यह मजे हुए खिलाड़ी कहाँ तक सक्सेस हो पा रहे हैं, जो कि पिछला दिनों से भी इनको सबक मिल रहा होगा। जैसे उपेंद्र जी कहाँ पहुंचे और कहाँ आ गए, उनकी पार्टी अब कहाँ है, पहाड़ से इनको कितना समर्थन मिलेगा और मधेसी को कितना जोड़ के ये रख पाते हैं। मित्रों, मैंने आज इस पर चर्चा की, मधेसी राजनीति पर। कुछ नेताओं को भी मैंने जोड़ा इसमें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।